हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MI 3S प्राइम के बारे में। दोस्तों, ये MI की ओर से पहला ऐसा डिवाइस था जो पीछे फिंगरप्रिंट आया था। इससे पहले फिंगरप्रिंट क्या था MI के डिवाइस में, किसी को पता नहीं था। और आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि सबसे पहला फिंगर सेंसर वाला फ़ोन जो है वो LG ब्रांड ने लॉन्च किया था। सबको ऐसा ही लगता है कि iPhone 5S में फिंगरप्रिंट आया, उसके बाद सब में आया, ऐसा नहीं है। LG का जो ब्रांड था उसने पहला फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन लॉन्च किया था। और अभी हम बात करते हैं MI 3S प्राइम के, तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है दोस्तों। माइक्रो USB केबल से आप चार्ज कर सकोगे। स्पीकर का क्वालिटी भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, कैमरा क्वालिटी भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन हालांकि अभी के फ़ोन के साथ आपको कंपेरिजन करोगे तो आपको कैमरा क्वालिटी आपको इसका पसंद नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले की बात करूँ, जब ये नया आया था सबसे बेस्ट फ़ोन था ये, क्योंकि फास्टेस्ट फ़ोन था। हालांकि आज की डेट में भी फास्ट चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। अगर आपको जितना एप्लीकेशन का ज़रूरत है आप उतना ही इंस्टॉल करोगे तो ये फास्टेस्ट फ़ोन है। बेस्ट बैटरी बैकअप है आज की डेट में भी, इसमें ओरिजिनल ही बैटरी बैकअप इंस्टॉल है, आज तक बैटरी बैकअप भी चेंज नहीं किया। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करो तो बहुत ही फास्ट वर्क करता है दोस्तों, एकदम परफेक्टली वर्क करता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है। और डिस्प्ले क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, मतलब जैसा होना चाहिए, आपको जैसा पसंद आता है वैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, अगर आप एक बार फुल चार्ज करो तो आपको 1-1.5 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप अगर नॉर्मली कॉलिंग और इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज़ करोगे तो, और नॉन स्टॉप गेमिंग के लिए यूज़ करोगे तो आपका ये बैटरी शाम तक ख़त्म हो जाएगा, ये बात है। क्योंकि ये बैटरी का भी जो है बहुत साल हो चुका है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फी कैमरा में भी कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली सेल्फी कैमरा है। और आपका जो MI 3S प्राइम कैसा है वो मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि इसमें अपडेट नहीं आता है दोस्तों, अपडेट अभी आना बंद हो गया है क्योंकि बहुत ही पुराना डिवाइस है। यही खासियत है एंड्रॉयड डिवाइस की कि अपडेट आपको 1 या 2 साल मिलेगा, और सैमसंग का अगर डिवाइस रहा हो तो 3 या 3.5 साल तक आपको अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन एप्पल की बात करो तो एप्पल आपको 5-5, 6-6 साल के बाद भी अपडेट देता रहता है, तो यही फ़र्क है एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन में। और वन प्लस में भी आपको एक्चुअली में रेगुलर अपडेट मिलता रहता है, लेकिन कुछ साल के बाद उसमें भी बंद हो जाता है। हालांकि इसमें बहुत ही पुराना एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड मेरे ख्याल से 7 या 8 होगा, लेकिन परफेक्टली वर्क कर रहा है। एप्लीकेशन इजीली यूज़ कर सकते हो, गेमिंग के लिए भी परफेक्टली फ्री फायर आप खेल सकते हो, पबजी आपको इसमें मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत लैग होगा। और आपका डिवाइस कैसा चल रहा है, आपके डिवाइस में कुछ दिक्कत है कि नहीं, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। आपका दिन शुभ रहे।